सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस का क्या इलाज होता है? जैसे हम अपने पहले वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं कि स्पॉन्डिलाइटिस में तीन मेन तरह के सिम्टम हो सकते हैं। एक होता है गर्दन का दर्द, जो डिस्क और फैसेट जॉइंट खराब होने की वजह से होता है। एक होता है नर्व पेन, जिसकी वजह से हमारे हाथों में सुन्नपन या कमजोरी आ सकती है। और एक होता है सर्वाइकल माइलोपैथी, मतलब जो स्पाइनल कॉर्ड होती है जिससे हमारे हाथ पैर चलते हैं, उस पे प्रेशर आने की वजह से हमारे हाथों पैरों पे कंट्रोल जा सकता है। अब इन तीनों का इलाज अलग अलग होता है। जब भी मरीज हमें सर्वाइकल के सिम्टम से हमारे पास आता है, सबसे पहले हम उसका एक्सरे और एमआरआई करके देखते हैं और देखते हैं कि क्या उसके जो लक्षण है वो एमआरआई की फाइंडिंग से मैच कर रहे हैं। अगर वो मैच कर रहे हैं तब इसका इलाज आगे किया जाता है। अगर किसी मरीज को सिर्फ गर्दन में दर्द है और नसों पे दबाव नहीं है, आमतौर पे गर्दन में दर्द क्यों होता है, डिस्क खराब होगी या गर्दन के जोड़ खराब हो गए, तो इसका इलाज आमतौर पे कुछ एंटी इंफ्लेमेटरी मेडिसिन और फिजियोथेरेपी के जरिए ही किया जाता है। एक बार जब उसका दर्द चला जाता है, उसके बाद हम उस मरीज को रेगुलर एक्सरसाइज करने के लिए बोलते हैं। अगर ये मरीज डेली 10 से 15 मिनट गर्दन की एक्सरसाइज करते हैं तो दोबारा गर्दन दर्द होने की संभावना बहुत कम हो जाती है और मोस्टली मरीज इससे मैनेज कर लेते हैं। अगर किसी मरीज का गर्दन का दर्द 6 हफ्ते से 3 महीने की फिजियोथेरेपी और एक्सरसाइज के बाद और दवाइयां लेने के बाद भी नहीं जाता है, तो इसमें एक इलाज होता है जिसमें हम जो गर्दन के जोड़ होते हैं, फैसेट जॉइंट होते हैं, इसमें हम इंजेक्शन लगा सकते हैं जो कॉर्टिजोन के इंजेक्शन होते हैं, जिससे वहां पे सोजिश कम हो जाती है और गर्दन का दर्द कम हो जाता है, ताकि वो मरीज अच्छे से कसरत और व्यायाम कर सके। और अगर इससे आराम मिल जाता है तो एक नई टेक्निक आई है जिसको हम बोलते हैं रेडियो फ्रिक्वेंसी एब्लेशन। इस एब्लेशन के जरिए, एक बहुत ही पतली नीडल के जरिए, जो गर्दन में दर्द की नसें होती हैं उनको हम एब्लेट कर देते हैं, मतलब जला देते हैं, जिससे ये गर्दन दर्द में काफी लंबे टाइम तक आराम मिल जाता है और वो मरीज अच्छे से उसमें एक्सरसाइज करके गर्दन को स्ट्रॉन्ग कर लेते हैं, ताकि ये दर्द दोबारा ना हो। सिर्फ 5% मरीज ऐसे होते हैं जिनका ये सब टेक्निक, ये सब करने के बाद भी दर्द बहुत ज्यादा रहता है और आराम नहीं मिलता, तो सिर्फ उन 5% लोगों में ही ऑपरेशन की जरूरत पड़ती है। और ऑपरेशन का डिसीजन लेने से पहले हम 6 महीने तक ये कसरत, व्यायाम, इंजेक्शन, ये सब कोशिश करते हैं। सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस का दूसरा लक्षण जो नर्व के कंप्रेशन की वजह से होता है, उसमें हमारे आमतौर पर हाथों में, बाजुओं में दर्द आने लग जाता है या हाथों में सुन्नपन या कमजोरी रहना शुरू हो सकती है। ऐसे केस में भी सबसे पहले इसका इलाज फिजियोथेरेपी और दवाइयों से ही किया जाता है। अगर किसी मेजर मसल में वीकनेस नहीं होती या नंबनेस बढ़ नहीं रही है, तो आमतौर पर 95% मरीज बिना ऑपरेशन के ही ठीक हो जाते हैं। लेकिन 5% मरीज ऐसे होते हैं जिनमें जैसे शोल्डर में बहुत वीकनेस आ जाए, या रिस्ट में वीकनेस आ जाए, हाथों की ग्रिप में वीकनेस आ जाए, या फिर हाथों में सुन्नपन रहना शुरू हो जाए, ऐसे मरीजों में आमतौर पर ऑपरेशन की सलाह दी जाती है, ताकि नर्व के ऊपर कोई परमानेंट डैमेज ना हो जाए। लेकिन आमतौर पर अगर ये वीकनेस या नंबनेस प्रोग्रेसिव नहीं है, बढ़ नहीं रही है, तो भी हम 3 से 6 हफ्ते का कंजर्वेटिव मेथड से कोशिश कर सकते हैं। कंजर्वेटिव मेथड मतलब एक्सरसाइज से, फिजियोथेरेपी से और दवाइयों से कोशिश की जा सकती है। अगर किसी मरीज के स्पाइनल कॉर्ड के ऊपर प्रेशर आ गया है, जिसकी वजह से हाथों में सुन्नपन रहना शुरू हो गया है, हाथों से सामान गिरना शुरू हो गया है, या गेट इंस्टेबिलिटी, मतलब उसको लगता है मैं बैलेंस मेंटेन नहीं कर पा रहा, ये थोड़े सीरियस सिम्टम होते हैं, इसमें भी इनिशियली हम कंजर्वेटिव मेथड ट्राई कर सकते हैं, प्रोवाइडेड जो हमारा न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट है, जो कमजोरी है, बहुत ज्यादा नहीं है। इसमें आमतौर पर जो 50 से 60% मरीज होते हैं, इसमें ये कमजोरी प्रोग्रेस नहीं करती है। अगर किसी को थोड़ी बहुत कमजोरी है, तो हम उनका सीरियल न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन करते हैं, जो हर 3 महीने पर हम उनका एग्जामिनेशन करते रहते हैं। अगर हमें लगे कि ये वीकनेस या कमजोरी बढ़ रही है, तो ऐसे मरीजों को ऑपरेशन की सलाह दी जाती है। लेकिन अगर किसी को कमजोरी बहुत ज्यादा है या सुन्नपन बहुत ज्यादा है, तो ऐसे केस में हम आमतौर पर वेट नहीं करते हैं, उस मरीज को जल्दी ऑपरेशन कराने की सलाह दी जाती है। क्योंकि जो स्पाइनल कॉर्ड होती है, जो बहुत ही सेंसिटिव एरिया होता है, अगर प्रेशर आने की वजह से इसमें डैमेज हो जाता है, तो कई बार उसमें रिकवरी के चांस कम हो जाते हैं। तो कहीं हम ऐसी स्टेज पे ना पहुंच जाएं कि रिकवरी इरिवर्सिबल हो जाए, इसलिए अगर स्पाइनल कॉर्ड पे प्रेशर है, तो उसमें आमतौर पर ऑपरेशन की सलाह जल्दी दी जाती है। तो दोस्तों, जैसे मैंने बताया, सर्वाइकल स्पाइन में अलग अलग सिम्टम में अलग अलग तरीके का इलाज किया जाता है, लेकिन आपको जानकर अच्छा लगेगा कि 95% पेशेंट स्टिल हम बिना ऑपरेशन के मैनेज कर सकते हैं।